मैंने पीआर से बात किया तो उसने बोला कि अटैक वगैरह कुछ आ गया था। तो क्लैप एक बड़ा ही नॉवल इनिशिएटिव है जहाँ पर बच्चों से लेकर महिलाओं तक आप जो अपनी क्रिएटिव लर्निंग है उसे जान पाएंगे, अपने आप को थोड़ा और ज़्यादा एक्सपैंड कर पाएंगे, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो इमोशनल क्वोशेंट के आपकी कुछ गेम्स हो, चाहे वो टैलेंट अपना देखना हो। तो मुझे बहुत खूबसूरत एक मोटिव लगा और मुझे लगा कि मुझे इनके साथ ज़रूर जुड़ना चाहिए क्योंकि इनका इंटेंट बहुत अच्छा है और ऑडियंस जिस तरह की आई है यहाँ पर वो बहुत आतुर हैं, लगता है कि इस तरह की चीज़ में आने के लिए। कुछ नई चीज़ है बॉम्बे में, ऐसा शायद कुछ है नहीं। स्कूल्स होते हैं या किंडरगार्टन होता है बच्चों के लिए या उसके बाद क्लासेस शुरू हो जाती हैं या हॉबी क्लासेस होती हैं, लेकिन ये कुछ अलग है। सो आई एम हैप्पी कि दे आर स्टार्टिंग दिस एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। मैडम अगर आपकी फिल्म की बात करें किस तरीके से प्रमोशन चल रहा है, क्या प्रमोशन तो अच्छा चल रहा है, फिल्म की रिपोर्ट भी अच्छी आ रही है, मतलब जो जो देख रहे हैं, सो इट्स रियली नाइस। एंड मैं पहली बार नेगेटिव रोल कर रही हूँ तो उसकी और एक्साइटमेंट है एंड चाहूँगी कि सब इस फिल्म को बहुत प्यार करें। आपने हमेशा कुछ से कुछ नया ही दिया है अपने बच्चों को, इस फिल्म में आप नेगेटिव किरदार कर रहे हैं और बाकी लोगों के बारे में जरा सा कुछ डिटेल्स बताएं। वेल थैंक यू, मेरी ऑडियंस है मुझे एक्सपेक्ट करती है कि मैं कुछ नया करूँ, कुछ अलग करूँ और इस फिल्म में भी वैसा ही होगा। एंड शबाना जी के साथ मैंने पहले एक फिल्म की है जिसमें मैं उनकी बेटी बनी थी और शी इज़ वन ऑफ माई वेरी फेवरेट एक्टर्स और उनके साथ मेरी फेस ऑफ सीन्स हैं इस फिल्म में, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जूही के साथ मैं 3-4 फिल्में कर चुकी हूँ एंड अगेन अ फैंटास्टिक एक्टर। माहौल जब मज़ेदार होता है तो मज़ा आता है काम करने का। टू प्ले मीन टू योर फेवरेट पीपल इज़ नॉट एन ईजी टास्क। 2016 की शुरुआत में क्या कुछ नए प्रोजेक्ट आप कर रही हैं? अभी मैं इरादा पे काम कर रही हूँ जिसमें नसीर साहब और अरशद इश्किया के बाद साथ में आ रहे हैं एंड बहुत खूबसूरत रोल है उसमें भी, आप मुझे एक अलग रंग में पाएंगे। फिर 2 नई फिल्में और शुरू कर रही हूँ, एक गर्ल फीमेल चाइल्ड पर आधारित है तो वो बहुत सुंदर होगी, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। और ट्रैफिक आने वाली है मनोज बाजपेयी और प्रसन्नजीत के साथ और नितिन कक्कड़ की फिल्म आएगी राम सिंह चार्ली जिन्होंने फिल्मिस्तान बनाई थी और शाम बेनेगल की अगली फिल्म आएगी। से हटके एक सवाल है कि इनक्रेडिबल प्राइम मिनिस्टर से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आमिर खान को रिप्लेस करके बच्चन साहब को सरकार में रख रही है, अप्रोच कर रही है बच्चन साहब को, इससे कितना क्या जी? मैं तो एक्चुअली मुझे मौका ही नहीं मिला इस खबर को जानने का, तो जिस बारे में मालूम नहीं उस पर कमेंट करना मैं शायद नहीं चाहूँगा। थैंक यू, थैंक्स। Right, guys, thank you. Okay. Thank you, you just like Priyanka Ji. Yes. So, few words first. Divya is Divya Jyoti. And light is also the light of knowledge. Do you think creative arts can be the light of knowledge for children today? First of all, a very good evening. Good evening. And big, big clap for this lovely institute that we have here. Let's just have a big clap. Congratulations, Tenzin, and congratulations, Mishti. Today, for me, is a little surreal day when I think with her has been a bond because she came to me with one little event we had to do, and for me, it became more than an event. I got so engrossed in it that I totally got, I overstayed, and I wanted to just be with her and just enjoy what she was doing. And so when she came up with this, with CLAP, and she said, would you be a part of this? And I really readily agreed. Unfortunately, my own personal circumstances have been slightly this. The woman who's made me very creative, right from the right age that they're looking at, which is 8. My own mother is in the ICU right now, and I wanted to be with you guys a little more. But nevertheless, I'm going to be here around with you and just tell you that this place, I think, in Bombay, I'm from Punjab actually. So had I been here, I think I would have begun here and my mom would have sent me here. And all I'd say is, as she says, find your own wings, because I come from a family of doctors and I am so, so indebted to my mom for letting me be what I want to be, because about 17 years back, being an actor wasn't the best thing to be, especially for women. And it was like, unpredictable profession and where are you going, because I come from a conservative Punjabi background. But my mother let me be here, find my wings,
do exactly what I wanted to do, be a part of the first stage show in the school, and from that applause that I got for the first time in school, I think I had decided what I wanted to do. And that showed me my niche in life, that I enjoy this, I enjoy hearing this applause, I like the smiling audience around me, and I wanted to speak, I wanted to act, and I wanted to dance. And so I'm so glad that my parents, my mom allowed me to do that. And I'm so glad that here is a beautiful place which allows you so many opportunities, right from kids to women, who've not probably found their ultimate happiness, or they want to expand it, either way as you can see it, to be here to find and rediscover yourselves, and for children to know what they really love doing and, you know, enhance it, and for parents to just encourage them to do what they love doing. I think the best thing in life is to do what you want to do, and I think this is the best place to be and begin. And well, I'll just say, Rishti, जज्बाए दिल घर में जाऊँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए मंजिल के लिए दो गांव चलूँ और सामने मंजिल आ जाए सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड आई एम गोना विजिट हियर सून एंड एनीथिंग फॉर मी आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्लेस ईगरली वेट फॉर दैट दिव्या एंड दिव्या ज्योति यू कुड जस्ट लाइक Thank you.